प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम लोग पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। सेल का डेफिनेशन देखेंगे। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वर्ड सेल जो है डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से सेलुला, जिसका मतलब होता है छोटा रूम। सेल को डिस्कवर किए हैं रॉबर्ट हुक 1665 में। वो क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे स्लाइस ऑफ कॉर्क को। तब उन्होंने देखा कि ये कॉर्क जो है रिजम्बल करता है, मिलता जुलता है हनी कॉम की तरह, है ना, बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट से। इस तरह से उन्होंने इसका नाम दे दिया सेल। एंटोन वॉन लीवेनहॉफ जो है डिस्कवर किया था फ्री लिविंग सेल्स को पॉन्ड वाटर में पहली बार 1674 में। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड किया था न्यूक्लियस को 1831 में। और जेई पुरकेंजी जो है प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था 1839 में। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम है ना, इसको प्रैक्टिस कर लेना है, इस डिफरेंट पार्ट्स को, इसका डायग्राम को। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सेल थ्योरी। इन 1838 जैकोब मैथियस स्क्लेडियन प्रपोज दैट ऑल प्लांट कंसिस्ट ऑफ सेल्स, यानी कि वो बताया कि जितने भी प्लांट होते हैं सभी सेल्स से बने होते हैं। फिर 1839 में थियोडोर स्वान प्रपोज किया, वो बताया कि नहीं सिर्फ प्लांट ही नहीं, एनिमल्स और प्लांट वो सभी मिल करके सेल से बने होते हैं। यानी कि ही टोल्ड दैट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपेंडेड बाई आर विर्चो इन 1855, यानी कि आर विर्चो जो है 1855 में, और आगे कुछ बताया। वो क्या बताया कि जितने भी सेल्स होते हैं सभी पहले से एग्जिस्ट करने वाले सेल से एराइज करते हैं। देयरफोर द सेल थ्योरी नाउ कंसिस्ट्स ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज ए सिंगल सेल, दिस इज द फर्स्ट वन। यानी कि हर प्राणी जो है अपना जीवन स्टार्ट करता है एक सिंगल सेल से। पॉइंट नंबर टू, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जितने भी नया सेल्स बनते हैं पहले से बने हुए सेल्स से बनते हैं। एंड पॉइंट नंबर थ्री, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस इन सेल्स। इसका मतलब कि सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है वो सेल के अंदर होता है, और इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। स्ट्रक्चरल कहने का मतलब है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी का स्ट्रक्चर जो स्टार्ट होता है वो सिंगल सेल से होता है, और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहने का मतलब होता है कि हर ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शन होता है सबसे पहले स्टार्टिंग जो होता है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है, इसीलिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है सेल को। फोर्थ पॉइंट है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी सेल्स से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मतलब होता है एक, सेलुलर मतलब होता है सेल से बना हुआ। इसका मतलब हुआ कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से बना हुआ होता है, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामोशियम हो गया, क्लाइमेडोमोनस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, एक्सेट्रा। सो डेफिनेशन क्या होगा, ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है हम लोग का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी मतलब होता है मैनी, सेलुलर मतलब सेल से बना हुआ, मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल से बना हुआ। एग्जांपल हो गया ह्यूमन बीइंग, कैट, डॉग और बहुत सारे जानवर जो कि बहुत सारे जानवर हैं जो कि बहुत मल्टी सेलुलर कहलाएंगे। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, कि ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। द शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स, नेक्स्ट टॉपिक। इनिशियल शेप पहले हम लोग देखेंगे। द शेप एंड साइज ऑफ द सेल जो होता है वो उसके स्पेसिफिक फंक्शन के डिपेंड करता है, वो कैसा परफॉर्म करता है फंक्शन उसी के अनुसार किसी सेल का शेप होता है। कुछ सेल्स जो होते हैं जैसे अमीबा, उसका चेंजिंग शेप होता है। कुछ केसेस में जैसे कि सेल शेप ज़्यादा होगा या लेस फिक्स्ड होता है,
एंड पिक्यूलियर होता है पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल के लिए, जैसे कि नर्व सेल हो गया, टिपिकल शेप है इलोंगेटेड, एक जानवरों का वो रेड सेल स्क्वायर है, और वो एग्जांपल है जहाँ की फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा सेल का शेप। तो इसको हम लोग कहते हैं कि द शेप एंड द साइज ऑफ द सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शंस दे परफॉर्म। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सेल साइज। तो सेल को हम लोग नापते हैं, चूँकि वो बहुत छोटा होता है इसलिए माइक्रोमीटर में। एक माइक्रोमीटर जो होता है 1000th ऑफ ए मिलीमीटर होता है। सो ए माइक्रोमीटर इज 1000th ऑफ ए मिलीमीटर। और साइज ऑफ द सेल जो है वेरी करता है, बहुत छोटा जैसे कि बैक्टीरिया हो गया 0.2 से लेकर के 5 माइक्रोमीटर तक होता है, और बड़ा सेल जो होगा जैसे ऑस्ट्रिच का एग होता है वो 18 सेंटीमीटर होता है। एमोंग द मल्टी सेलुलर प्लांट्स लार्जेस्ट सेल जो है ओव्यूल ऑफ साइकस है। अमीबा प्रोटियस जो है वो बिगेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसका जो लेंथ होता है लगभग 60 माइक्रोमीटर होता है। द स्मॉलेस्ट सेल्स जो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम है, वो एक ऑर्गेनिज्म है इंटरमीडिएट यानी कि बीच का वायरस के और बैक्टीरिया का। उसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर होता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेल वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ ए सेल इज फेयरली कॉन्स्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर सेल टाइप एंड इज इंडिपेंडेंट टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा जानवर है तो उसके शरीर में बड़ा बड़ा साइज का सेल्स होगा, बड़े बड़े वॉल्यूम वाले सेल्स, और जो छोटा जानवर होगा उसका सेल छोटा वॉल्यूम होगा। नहीं, सब में सेल का साइज जो होता है, वॉल्यूम जो हम कह सकते हैं, वो सेम होता है। जैसे कि एग्जांपल लें किडनी या लीवर होता है ना हॉर्स का या माउस का, तो हॉर्स बड़ा है माउस छोटा है, तो क्या हॉर्स में बड़ा बड़ा सेल होगा और माउस में छोटा छोटा? नहीं, ऐसा नहीं है। द डिफरेंस जो है उसके ऑर्गेन बहुत सारे हैं हॉर्स में, माउस में कम ऑर्गेन्स हैं, बड़े हॉर्स में बड़े बड़े ऑर्गेन्स हैं, हॉर्स माउस में छोटे छोटे ऑर्गेन्स हैं। साइज में अंतर है, माउस छोटा है, हॉर्स बड़ा है, हाथी बड़ा है ना, बिल्ली छोटी है। इसका मतलब ये हुआ कि हाथी जो है उसमें बहुत सारा सेल्स है, और कैट में माउस में कम नंबर ऑफ सेल्स है इन कंपैरिजन टू द एलिफेंट। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सेल नंबर। तो नंबर ऑफ सेल्स जो होता है मोस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इनडेफिनिट है, यानी कि कोई भी हिसाब किताब नहीं, बताया नहीं जा सकता एग्जैक्ट नंबर। लगभग में हमारे साइंटिस्ट लोग कहते हैं इतना या उतना होगा, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता क्योंकि गिना नहीं जा सकता नंबर ऑफ सेल्स को। तो फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग में बताया गया है कि ह्यूमन बींग के अंदर नंबर ऑफ सेल जो है एस्टिमेट किया गया हमारे साइंटिस्ट के द्वारा लगभग टू बी 100 ट्रिलियन, यानी कि 10^14 उसको कहते हैं, है ना। तो हम लोग सेल का नंबर किसी भी ऑर्गेनिज्म में एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ लेबर विद इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड इन सेल्स। इसका ये मतलब हुआ कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टी सेलुलर है उसके अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सिंगल सेल में ऑर्गेनिज्म में तो क्या होता है कि सिंगल सेल ही सारा फंक्शन को करता है। जैसे कि हम लोगों के ह्यूमन बींग के बॉडी में है हार्ट जो है क्या करता है, पंप करता है ब्लड को, स्टोमक डाइजेस्ट करता है, आँख देखता है, कान सुनता है, तो अलग अलग ऑर्गन क्या करता है अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी कि काम बांटा हुआ है, हर ऑर्गन अपना अपना फंक्शन को कर रहा है। हाँ, लेकिन सभी ऑर्गन एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके काम करता है, मिलजुल के एक दूसरे को हेल्प करते हुआ। उसी तरह से डिवीजन ऑफ लेबर जो है सिंगल सेल में भी देखा गया है, हर सेल के अंदर बहुत छोटा छोटा यानी कि माइक्रोस्कोपिक या उससे भी छोटा कह सकते हैं, सब माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हम लोग सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। और ईच ऑर्गेनेली क्या करता है, एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करता है। और यही कारण है
कि सेल जिंदा है या सेल कोई भी काम कर पाता है, सारे फंक्शंस को कर पाता है, क्योंकि सारे ऑर्गेनेल्स काम करते हैं अलग अलग, फिर वो मिल करके क्या हो गया, एक सेल हो गया, बहुत सारे सेल काम कर रहे हैं, इस तरह से वो मिल करके क्या हुआ, टिश्यूज बन गए, इस तरह से टिश्यूज आगे चल के ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम बनता है ना। तो हम लोग क्या देखेंगे, ऑल सेल्स हैव द सेम ऑर्गेनेल्स, जितने भी सेल्स होंगे सबके अंदर ऑर्गेनेल्स सेम होता है, चाहे वो कहीं किसी भी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है ना। सो ऑल सेल्स हैव द सेम ऑर्गेनेल्स नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेन्स ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि जितने भी सेल्स होते हैं उसके अंदर ऑर्गेनेल्स सेम होंगे, चाहे वो सेल किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट का हो। हाँ, नेक्स्ट हम लोगों का है कि ऑल सेल्स हैव द थ्री मेजर रीजंस। द सेल मेम्ब्रेन एक होता है, उसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या सेलेक्टिवली परमिबल मेम्ब्रेन कहते हैं, और एक प्लांट सेल में जो बाहर वाला होता है उसको सेल वॉल कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो एनिमल के आउटर मोस्ट कवरिंग को कहते हैं, उसके बाद न्यूक्लियस, और तीसरा जो है साइटोप्लाज्म होता है। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल्स। द लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल जो होता है, यानी कि जीवित पार्ट जो होता है किसी भी सेल का, उसको हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। वो क्या क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी एपरेटस, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल्स, प्लास्टिड, न्यूक्लियस और भी बहुत सारे। नेक्स्ट है हम लोग का सेल इंक्लूजन्स। द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल जो होते हैं उनको हम लोग सेल इंक्लूजन्स कहते हैं। मेनली वो तीन होते हैं, सेल वॉल जो कि सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, और वैक्यूल वो तो दोनों में पाया जाता है, प्लांट और एनिमल में भी, और तीसरा जो होता है वो ग्रैन्यूल होता है। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, ये जो होता है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है किसी भी एनिमल सेल का। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके बाद सबसे बाहर में सेल वॉल होता है, और हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये सिलेक्टेड पार्टिकल्स को, मटेरियल को अंदर या बाहर आने देता है, सभी को अंदर बाहर नहीं होने देता है। सेल मेम्ब्रेन भी हम लोग कहते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। क्यों, क्योंकि ये एनिमल के सेल का बाहरी मेम्ब्रेन है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन है, इसीलिए इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्या कहेंगे कि इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि अंदर और बाहर के चीज़ों को सेपरेट करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो थिकनेस है लगभग वो 70 एंगस्ट्रॉम है, यानी कि 7 नैनोमीटर। तो हम लोग देखें हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टेड चीज़ों को ही पास होने देता है अंदर या अंदर से बाहर। तो ये कैसे होता है, आखिर किस तरह से होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर बाहर? तो ये दो प्रोसेसेस से होता है मेनली, एक होता है डिफ्यूज़न, दूसरा होता है ऑस्मोसिस, है ना। जैसे कि सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो गया, वो वेस्ट मटेरियल, उसको बाहर निकालना, या सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसको सेल के अंदर करना है, तो वो कैसे होगा? तो ये होगा डिफ्यूज़न प्रोसेस से। तो डिफ्यूज़न क्या है, डिफ्यूजन का डेफिनेशन हम लोग इस तरह से कहेंगे कि द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि जहाँ पे कोई चीज़ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ, जैसे कि ऑक्सीजन सेल के अंदर कम है और बाहर में ज़्यादा है, तो बाहर से ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाएगा डिफ्यूज़न प्रोसेस से। और कार्बन डाइऑक्साइड मान लीजिए सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल के रूप में ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया, अब उसको बाहर निकलना है, तो वो डिफ्यूज़न प्रोसेस से अंदर से बाहर निकलेगा। नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है ऑस्मोसिस, यानी कि सेकंड प्रोसेस है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। वही सेमी परमीबल मेम्ब्रेन हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। तो ऑस्मोसिस में हम लोग क्या देखते हैं कि पानी का मूवमेंट होता है, यानी कि पानी का जहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ से कम कंसंट्रेशन की तरफ पानी मूव करेगा। जैसे कि जड़ में पानी चाहिए तो वो सॉयल में पानी ज़्यादा है, तो कंसंट्रेशन जो हो गया सॉयल का अंदर ज़्यादा हुआ वाटर का और रूट्स के अंदर कम है, तो क्या होगा, सॉयल से ऑस्मोसिस के थ्रू पानी जो है
रूट्स के अंदर जाएगा। तो सेल के अराउंड जो हो सकता है सॉल्यूशन वो तीन तरह का हो सकता है, या तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो सकता है, या हाइपरटोनिक हो सकता है, या आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो सकता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। अगर मीडियम जो कि सेल के अराउंड है वहाँ पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना, यानी कि आउटसाइड जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है, तो क्या करेगा सेल, बाहर से पानी अंदर की ओर टानेगा, और इस तरह के सॉल्यूशन जो कि बाहर में है उसको हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, और सेल जो है पानी टान करके क्या करेगा फूल जाएगा। हाइपोटोनिक में हम लोग क्या देखें कि पानी जो है बाहर से अंदर जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि पानी सिर्फ बाहर से अंदर जा रहा है, अंदर से भी बाहर आ रहा है, लेकिन बाहर से कंसंट्रेशन चूँकि बाहर के में चूँकि कंसंट्रेशन ज़्यादा है पानी का, इसीलिए बाहर से ज़्यादा पानी अंदर जा रहा है और अंदर से कम आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होता है कि अंदर और बाहर, सेल के अंदर और सेल के बाहर कंसंट्रेशन जो होता है पानी का वो बराबर होता है, यानी कि जितना पानी अंदर जा रहा है उतना ही पानी क्या हो रहा है बाहर निकल रहा है सेल से। इसीलिए क्या होता है, ना ही सेल श्रिंक करेगा ना ही स्वेल अप करेगा, सेल जो है जिस तरह से उसी तरह से रहेगा, और इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन क्या होगा कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन का, कि इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, देर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ द वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, एंड सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसको कहते हैं, कि ऐसा सॉल्यूशन जिसका कि वाटर कंसंट्रेशन कम होता है सेल के कंपैरिजन में, यानी कि अगर मीडियम में जो है लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है सेल के कंपैरिजन में, यानी कि सेल जो है उसके अंदर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो इस केस में क्या होगा, सेल जो है पानी को लूज़ करेगा, यानी कि सेल से पानी बाहर निकलेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, और इस केस में क्या हो जाएगा सेल जो है श्रिंक कर जाएगा। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का, इफ़ द मीडियम हैज़ ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, दैट इज इट इज़ वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस, एंड सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हम लोग एक्टिविटी करेंगे ऑस्मोसिस को समझने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अंडा ले लेंगे एक, और उसके शेल को रिमूव कर देंगे, आउटर कवरिंग को, कैसे, उसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल करके। वो जो शेल ऑफ एग होता है वो मेनली कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। जब वो छिलका हट जाएगा बाहर का, तो देखेंगे हम लोग अंडा जो एक थिन आउटर स्किन से कवर किया हुआ है। अब इस शेल हटाए हुए अंडे को हम लोग क्या करेंगे, प्योर वाटर में डाल देंगे, 5 मिनट तक छोड़ देंगे। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग कि जो है अंडा फूल गया है। क्यों फूल गया है, क्योंकि सेल के अंदर जो है वाटर की कमी थी, यानी कि एग के अंदर, और बाहर में वाटर ज़्यादा है। इस तरह से बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, मेनली उसको हम लोग कहते हैं एंड ऑस्मोसिस, अंदर जो जाता है, एक दूसरा होता है एक्स ऑस्मोसिस, तो यहाँ अंदर जा रहा है तो उसको एंड ऑस्मोसिस कहते हैं, जब बाहर निकलता है तो उसको एक्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, एंड ऑस्मोसिस के प्रोसेस से पानी अंदर जा रहा है और वो अंडा जो है स्वेल अप कर जा रहा है। क्या करेंगे कि एक डी शेल एग ले लेंगे और उसको इस बार एक कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल देंगे, यानी कि पानी में बहुत ज़्यादा नमक घुलाया हुआ है, सो सॉल्ट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे या कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन कहेंगे। उसको फिर 5 मिनट तक हम लोग छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद क्या देखते हैं कि वो जो एग है वो श्रिंक कर जा रहा है। क्यों श्रिंक कर जा रहा है, बाहर जो है सॉल्ट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, यानी कि पानी की कमी है, तो एग से पानी क्या हो रहा है बाहर चला जा रहा है, और इस तरह से क्या हो रहा है वो श्रिंक कर जा रहा है। और ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं कि कंसंट्रेटेड सो क्या कहते हैं सॉल्यूशन था, वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था। अब हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे ऑस्मोसिस को समझने के लिए। क्या करेंगे हम लोग, कुछ ड्राइड रेजिन्स ले लेंगे, यानी कि सूखा किशमिश ले लेंगे, और उसके उसको प्योर वाटर में डाल देंगे एक बीकर में। कुछ समय तक उसको छोड़ देंगे। उसके बाद क्या देखते हैं कि वो किशमिश जो है
फूल गया है। वो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बाहर से पानी जो है अंदर जा रहा है, यानी कि एंड ऑस्मोसिस हो रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, इसी किशमिश को हम लोग निकाल लेंगे, फूले हुए किशमिश को। फिर एक बीकर में क्या करेंगे, कुछ कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन ले लेंगे और उसमें रख देंगे इस फूले हुए रेजिन्स को। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि वो रेजिन्स जो है, जो फूला हुआ था, कुछ देर के बाद श्रिंक कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब यहाँ पे एक्स ऑस्मोसिस हो रहा है, यानी अंदर से पानी जो है बाहर निकल रहा है। बहुत सारे यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म या मोस्ट प्लांट सेल्स जो है, वो जो पानी ऑब्टेन करता है इसी ऑस्मोसिस के थ्रू करता है ना, अपने जड़ के, जड़ से प्लांट्स क्या करता है, पानी अंदर टानता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो अब हम लोग देख लें कि डिफ्यूजन जो है इम्पॉर्टेंट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, और वाटर किसी भी सेल में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग सेल में। सेल जो है ऑब्टेन करता है न्यूट्रिशन अपने एनवायरनमेंट से एक दूसरे तरीका से, उस तरीका को हम लोग कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। डिटेल में इसके बारे में हम लोग अपर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ शॉर्ट में हम लोग डेफिनेशन समझ लेंगे कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय द यूज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी थ्रू ए टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, और उसी ट्रांसपोर्ट को हम लोग कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि सेल जो है एनर्जी के रूप में, एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में एनर्जी को यूज़ करता है, और सेल के अंदर या बाहर ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में अंतर। चूँकि दोनों का डेफिनेशन पढ़ लिए, बहुत सारे एग्जांपल्स भी पढ़ें, तो अब हम लोग समझते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। डिफ्यूज़न जो है किसी भी मीडियम में हो सकता है, सॉलिड में या लिक्विड में या गैस में, लेकिन ऑस्मोसिस जो होता है सिर्फ फ्लूइड्स में ही होता है, यानी लिक्विड एंड गैसेस मीडियम में। डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स जो होगा डिफ्यूज़न में वो क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, लेकिन ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो ही मूव करता है। डिफ्यूज़न के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत है। और चौथा पॉइंट में हम लोग दोनों का डेफिनेशन लिख देंगे, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। हम लोग ये देखें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, और इस अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, एनगल्फ करने देता है मटेरियल्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के से। और यही जो एनगल्फिंग होता है एक्सटर्नल मटेरियल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल्स के द्वारा, इसी को हम लोग एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस इज द इंजेशन, यानी कि इनटेक, अंदर लेना ऑफ मटेरियल्स बाय द सेल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा कि हम लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं कि अमीबा मेम्ब्रेन जो है वो फूड के चारों तरफ बढ़ जा रहा है, और क्या हो रहा है, फूड को अपने अंदर इनगल्फ कर ले रहा है। तो ये हो गया एंडोसाइटोसिस बाय अमीबा। नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या होता है, मेनली प्लांट सेल में पाया जाता है। सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इन ए प्लांट सेल। एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके बाहर में एक और मेम्ब्रेन होता है जो मेनली सेलुलोज से बना हुआ होता है, उसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। और सेल वॉल क्या करता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है प्लांट को। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है प्लाज्मोलाइसिस। जब कोई भी लिविंग प्लांट सेल अपने अंदर से वाटर को लूज करता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्स ऑस्मोसिस, तो क्या होता है, उसका साइटोप्लाज्मिक मटेरियल वो श्रिंक कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, और वो अपने वॉल से हट करके
श्रिंक कर जाता है और इस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। सो डेफिनेशन क्या बोलेंगे, व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज अ श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, दिस फेनोमेनन इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है, एक एक्टिविटी करेंगे ये बात समझने के लिए कि सिर्फ लिविंग सेल्स जो होते हैं वही ऑस्मोसिस करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रियो लीफ ले लेंगे है ना, और उसका थोड़ा सा पील ले लेंगे और उसको एक स्लाइड पे रख देंगे और उस सेल को रियो लीफ के पील के स्लाइड को जिसमें कि सेल्स है उसको एग्जामिन करेंगे हम लोग बढ़िया से माइक्रोस्कोप में, पावरफुल माइक्रोस्कोप में। हम लोग क्या देखेंगे कि स्मॉल ग्रैन्यूल्स क्लोरोप्लास्ट जो है क्लोरोफिल पिगमेंट वाला वो नज़र आ रहा है। अब उस रियो लीफ पर हम लोग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशन डाल देंगे। जब शुगर सॉल्यूशन हम लोग उसमें डालते हैं उस स्लाइड पर, उस लीफ के पील पर जो लिए हैं स्लाइड में, उसके बाद कुछ देर तक रुक जाएंगे, वेट करेंगे थोड़ा कुछ दो चार मिनट और उसके बाद फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे, वी विल ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। पहले हमने क्या देखा कि सब चीज़ बढ़िया से नज़र आ रहा है, सेल वॉल से उसका साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट जो है वो सटा हुआ है जैसे कि हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं। फिर तो जब उस पर हम लोग स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर या सॉल्ट डालते हैं, कुछ देर छोड़ देते हैं, उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर में, तो हम लोग क्या देखते हैं कि अब जो है कंटेंट्स जो है वॉल से, सेल वॉल से हट गया है, स्टेज बाय स्टेज होता है, धीरे धीरे होता है, इसीलिए देखिए सब डायग्राम में हल्का हल्का दिखाया गया है। इस बात से हम लोग को ये समझ में आ जाता है कि बाहर का जो मीडियम है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। इस तरह से क्या हो रहा है, पानी जो है अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है और प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ ऑस्मोसिस हुआ है, ये लिविंग लीफ था। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्यू रियो लीव्स ले लेंगे और उसको बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे कुछ मिनट्स तक के लिए। बॉयल करने से क्या होगा, उसका सेल्स जो है मर जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसमें से कोई एक पत्ता लेंगे, एक लीफ लेंगे, उसका फिर एक स्लाइड बनाएंगे और फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप। उसके बाद क्या देखते हैं, जैसा था वैसा ही दिखेगा। फिर आप उस पर एक दो यानी कि फ्यू ड्रॉप्स शुगर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन डाल देते हैं, शुगर का या सॉल्ट का स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन डाल देते हैं, थोड़ी देर छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। क्या देखने के लिए मिलेगा, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि पहले हुआ था, यानी कि पहले क्या हुआ था, प्लाज्मोलाइसिस। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसका जो साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है वो जो है क्या है, सेल वॉल से हटा नहीं, श्रिंक नहीं किया। इसका मतलब ओनली लिविंग सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस और डेड सेल जो होता है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस कैरी आउट नहीं करता है, क्योंकि ऑस्मोसिस होता है तभी प्लाज्मोलाइसिस होता है। तो इसका मतलब प्लाज्मोलाइसिस इस बार नहीं हुआ, इसका मतलब ऑस्मोसिस नहीं हुआ, पहले प्लाज्मोलाइसिस हुआ था, इसका मतलब ऑस्मोसिस हुआ था। दस वी कंक्लूड दैट ओनली लिविंग सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाई ऑस्मोसिस। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, ये एक डार्क कलर्ड स्फेरिकल या ओवल या डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी सेल के मोर लेस सेंटर में लोकेटेड होता है। और इस न्यूक्लियस का जो है कनेक्शन जो होता है न्यूक्लियस के अंदर वाले से सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, और इस न्यूक्लियस का डबल मेम्ब्रेन है, यानी कि हम कहेंगे कि द न्यूक्लियस हैज डबल लेयर्ड कवरिंग, जैसा कि हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं। लेकिन ये कवरिंग जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, और इस कवरिंग को हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी कि द कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस को हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं।
और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स है, उस पोर्स को हम लोग न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। और हम लोग क्या देखेंगे कि जिस तरह से सेल के अंदर सेंट्रली लोकेटेड जो कंपोनेंट होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं, उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर एक सेंट्रली लोकेटेड कंपोनेंट होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं, और ये न्यूक्लियोलस को हम लोग फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है न्यूक्लियस रिच इन प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन जो है क्या करता है राइबोसोम्स सिंथेसाइज करता है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। अब हम लोग न्यूक्लियस के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस जो है क्या करता है, सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होता है सेल का उसको वह कंट्रोल करता है। अगर न्यूक्लियस को हटा दिया जाए सेल के अंदर से तो प्रोटोप्लाज्म जो है ड्राई अप कर जाएगा, सूख जाएगा और पूरा सेल मर जाएगा, और इसीलिए बिना न्यूक्लियस के सेल का एग्जिस्ट करना पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और यही न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन है, जिसके पास हम लोग कहेंगे आगे चल के देखेंगे कि जीन्स होता है ना, वो जो है क्या करता है ट्रांसफ़र करता है कैरेक्टरिस्टिक को यानी कि ट्रेट्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। और चूंकि न्यूक्लियस सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है किसी भी सेल का, इसलिए न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा गया है। क्रोमोसोम्स हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। क्रोमोसोम्स जो है वो क्या होता है, रॉड शेप्ड का स्ट्रक्चर है ना, जो कि यूजुअली न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और ऐसे अभी हम लोग जो डायग्राम देखे पहले उसमें हम लोगों को नहीं दिख रहा था, क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम जो होता है जब सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवाइड करता है तभी बनता है, नहीं तो ऐसे वो क्या होता है क्रोमेटिन नेटवर्क की तरह नज़र आता है। तो हम लोग उस डायग्राम में देख रहे थे क्रोमेटिन नेटवर्क हम लोगों को नज़र आ रहा था। सो द न्यू क्रोमोसोम बिकम विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। क्रोमोसोम कंटेन करता है इंफॉर्मेशन यानी कि फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो ट्रांसफ़र होता है किसी भी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक, और वो किस रूप में होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, और यही डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है कंटेन करता है इंफॉर्मेशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अब जीन्स के बारे में, GENES, जीन्स। एक जीन क्या होता है, एक जीन इज ए फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑन द क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो क्या है एक पार्ट है हम कह सकते हैं। यानी हम ये पढ़ें पहले अभी क्या पढ़ें कि डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होता है उसी का बनता है क्रोमोसोम, और डीएनए में जो होता है वो जीन्स होते हैं। जीन इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन ही जो है रेस्पॉन्सिबल होता है अलग अलग फीचर्स के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जो हमारे अंदर होता है। बहुत सारे जीन्स होते हैं और हम लोगों के बॉडी के अंदर बहुत सारा फीचर्स है कैरेक्टरिस्टिक्स है, और हर जीन जो होता है एक फीचर के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आगे आप लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे जीन के बारे में और डिटेल में। जीन जो होता है हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, और यही जीन जो है ट्रांसफ़र करता है कैरेक्टरिस्टिक्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक, ऑफस्प्रिंग कहने का मतलब बच्चों तक। ये नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड ईकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल और ईकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल किसको कहते हैं, अगर कोई सेल जो होगा और उसका न्यूक्लियर रीजन जो होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। जैसा कि हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं इसका न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन नहीं है, है ना, और बिना न्यूक्लियस वाले मेम्ब्रेन वाले
सॉरी बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाले न्यूक्लियस को न्यूक्लियाइड कहते हैं। और ईकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, यानी कि न्यूक्लियर रीजन जो होगा वेल डिफाइंड होता है और सराउंडेड बाई ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल का, द सेल विच हैज गॉट ए न्यूक्लियस विदाउट ए मेम्ब्रेन इज नोन एज ए प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल जो है पहले जमाने का प्रिमिटिव टाइप का सेल है, और ईकैरियोटिक सेल जो होता है उसका डेफिनेशन क्या होगा, वेल ईकैरियोटिक सेल इज सच टाइप ऑफ सेल विच हैज ए न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाई ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ईकैरियोटिक जो है डेवलप्ड सेल में होता है, ईकैरियोटिक सेल जो है वो डेवलप्ड सेल रहता है, यानी कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस वाला सेल को ईकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब दूसरा डिफरेंस देखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल का साइज जो होता है वो स्मॉल होता है, 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर होता है, और ईकैरियोटिक सेल का जो साइज होगा वो 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होगा। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, सिंगल क्रोमोसोम होगा, ईकैरियोटिक सेल में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का मेम्ब्रेन जो बाउंड ऑर्गेनेलीज है वो एब्सेंट होगा, यानी कि ऐसा ऑर्गेनेलीज जिसके मेम्ब्रेन होता है वो सब एब्सेंट रहेगा। लेकिन अगर ये आपका ईकैरियोटिक सेल है तो उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम्स एक्सेट्रा। अब पांचवा डिफरेंस हम लोग देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें सेल डिविजन होता है फीजन से या बडिंग से, इसके बारे में आप लोग डिटेल में अपर क्लासेस में पढ़ेंगे। फीजन मतलब होता है ब्रेकिंग, बडिंग मतलब होता है बड डेवलप करके नया सेल का बनाना। और ईकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवीज़न होगा वो माइटोसिक होगा या मियोटिक सेल डिवीज़न होगा। अब माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है इसके बारे में भी क्लास 10 में आप लोग पढ़िएगा। ऐसे शॉर्ट में हम सिर्फ बता देते हैं कि मियोसिस जो सेल डिवीज़न होता है वो सेक्स सेल्स में होता है, और माइटोसिस जो होता है वो बाकी बॉडी सेल्स में होता है। बाकी बॉडी सेल्स में जो टाइप ऑफ सेल डिवीज़न होता है वो माइटोसिस कहलाता है, और सेक्स सेल्स में जो सेल डिवीज़न होता है उसको हम लोग मियोसिस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोगों का है साइटोप्लाज्म। तो सेल बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं, यानी कि फ्लूइड जेली लाइक कोई सब्सटेंस होता है सेल के मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीचम बीच में, जिसमें कि बहुत सारे स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलीज होते हैं, और हर ऑर्गेनेलीज जो अपना फंक्शन कैरी आउट करता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन। ये साइटोप्लाज्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के अंदर जो है ये ऑर्गेनेलीज रहते हैं। साइटोप्लाज्म क्या करता है, मटेरियल को ट्रांसफर होने में हेल्प करता है फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस एंड फ्रॉम द सेल टू द वन सेल टू अनदर सेल। उसके बाद हम लोग सेल मेम्ब्रेन की इंपॉर्टेंस को इस तरह समझ सकते हैं, एक वायरस का एग्जांपल लेकर के, वायरसेस में मेम्ब्रेन नहीं होता है और इसीलिए वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक को शो नहीं करता है। जब तक कि वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंटर नहीं कर जाए और उसके सेल मशीनरी को यूज़ नहीं करता है, वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है। इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंस है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है, शीट्स का होता है। ये लॉन्ग ट्यूब्स की तरह दिखेगा या राउंड दिखेगा या ऑबलोंग बैग की तरह, वेसिकल्स की तरह, पाइप की तरह कह सकते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से सिमिलर होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम लोग RER कहते हैं, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम लोग SER कहते हैं। RER रफ है, जब हम लोग उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे बढ़िया से किसी सेल को, तब उसके अंदर का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है रफ क्यों दिखता है, रफ इसलिए दिखता है कि उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, इसी राइबोसोम के कारण वो रफ दिखता है, और जिस पे राइबोसोम्स नहीं है वो स्मूथ दिखता है। और ये राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
एक नंबर में हम लोग देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक चैनल की तरह बिहेव करता है, पाइप की तरह बिहेव करता है, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है, ले जाता है मटेरियल को, स्पेशली प्रोटीन्स को, वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस और बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। दूसरा फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क की तरह बिहेव करता है, जो भी हेल्प करता है बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द शेल में। तीसरा फंक्शन है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है फैट मॉलिक्यूल्स को या लिपिड्स को, जो कि बहुत ही ज़रूरी है सेल के फंक्शन के लिए। वर्टिब्रेट्स के लीवर में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करता है वो? पॉइजन और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि पॉइजनस जो पॉइजन का असर है उस पॉइजन वाले असर को ख़त्म करता है। और पांचवा नंबर में हम लोग देखेंगे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन्स को, क्योंकि राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे होता है, तो राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस किया और उस प्रोटीन्स को ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ट्रांसपोर्ट करता है। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है बायोजीनेसिस। तो बायोजीनेसिस का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से जब नया लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है उसको बायोजीनेसिस कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन्स और लिपिड्स जो है वो हेल्प करता है सेल मेम्ब्रेन के बनने में, और इस प्रोसेस को हम लोग मेम्ब्रेन बायोजीनेसिस कहते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है गॉल्गी एपरेटस। तो गॉल्गी एपरेटस के बारे में हम लोगों को आइडिया दिया था कैम्युलो गॉल्गी, इसीलिए इसका नाम है गॉल्गी एपरेटस, या गॉल्गी बॉडीज भी कहते हैं हम लोग उसको। गॉल्गी एपरेटस जो है एक सिस्टम है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल का, पाइप लाइक स्ट्रक्चर का, जो कि एक ऐसा अरेंज किया हुआ है जैसे लगेगा जैसे कि पैरेलल टू वन अनदर है और एक के ऊपर एक थाक लगा हुआ है। उसके बाद हम लोग अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ गॉल्गी एपरेटस, इसका क्या क्या फंक्शंस है। तो गॉल्गी एपरेटस क्या करता है? स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है और पैक करता है प्रोडक्ट्स को, जो कि वेसिकल। नेक्स्ट फंक्शन है कि ये लाइजोसोम्स के बनाने में इन्वॉल्व्ड होता है, यानी कह सकते हैं हेल्प करता है। तीसरा है कि जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नज़दीक बनता है उसको पैक करना, डिस्पैच करना अलग अलग पार्ट्स में, सेल के अलग अलग पार्ट्स में या एक सेल से दूसरे पा सेल में, ये गॉल्गी एपरेटस का काम होता है। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या होता है? लाइजोसोम्स भी क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स है, यानी कि बैग की तरह, झोला की तरह मेम्ब्रेन वाला कंपोनेंट है हमारे सेल का, और उस सैक लाइक स्ट्रक्चर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरा हुआ होता है, और उस एंजाइम को हम लोग लाइजोसोमल एंजाइम्स कहते हैं,
और वो एंजाइम जो बनता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फंक्शंस क्या होता है लाइजोसोम्स का। लाइजोसोम्स के अंदर एंजाइम्स भरा हुआ है और वो एंजाइम कैसा एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी कि डाइजेस्ट करने वाला। तो इसका मतलब ये हेल्प करता है क्लीन करने में सेल को बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज बर्न आउट सेल ऑर्गेनलीज। अगर सेल के अंदर का कोई ऑर्गेनलीज सड़ गया है, वर्न आउट हो गया है, मरने वाला है या मर रहा है या कमज़ोर हो गया है, तो उसको ये लाइजोसोम क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। यानी कोई भी सेल ऑर्गेनली फंक्शन नहीं कर पा रहा है अंदर से, बढ़िया बढ़िया से अंदर में फंक्शन नहीं कर रहा है, तो ये लाइजोसोम उसको डाइजेस्ट कर देता है। या कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर सेल के अंदर आ गया है उसको ये लाइजोसोम डाइजेस्ट कर देता है। दूसरा फंक्शन क्या देखेंगे, इट ब्रेक डाउन ऑफ सेल स्ट्रक्चर। जब होता है, जब सेल डैमेज हो जाता है, लाइजोसोम बस्ट कर जाता है और वो एंजाइम जो है अपने आप अपने सेल्स को ही खा लेता है। और ये कभी कभी एनर्जी की जब डिफिशियंसी होती है, स्कार्सिटी ऑफ एनर्जी होता है सेल में, उस समय भी लाइजोसोम ऐसा ही करता है और वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। चूंकि ये अपने आप को ही ख़त्म कर ले रहा है, बस्ट कर ले रहा है, और एंजाइम जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो अपने सेल को ही डाइजेस्ट कर दे रहा है, इसीलिए लाइजोसोम्स को हम लोग सुसाइडल बैग्स या सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। सिंगुलर होता है इसका माइटोकॉन्ड्रियोन। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, टाइनी बॉडीज है अलग अलग शेप का। हो सकता है ये सिलिंड्रिकल हो, रॉड शेप्ड हो, जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, स्फेरिकल हो ना, अलग अलग शेप का हो सकता है, और ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का दो मेम्ब्रेन कवरिंग होता है, एक बाहर वाला जो बहुत ही पोरस है, यानी कि पोर्स होते हैं अपने, इसमें से लिक्विड्स को या सब्सटेंसेस को आर पार होने देते हैं, और दूसरा होता है अंदर वाला मेम्ब्रेन जो डीपली फोल्डेड रहता है, जैसा कि डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी इसको हम लोग कह सकते हैं, अंदर में फोल्डेड रहता है। वो फोल्डेड क्यों रहता है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करने के लिए, ताकि एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल बढ़िया से हो सके। एनर्जी का जब सिंथेसिस होता है उस समय ये हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, अपना प्रोटीन खुद बना सकता है, क्योंकि इन लोगों के पास अपना डीएनए होता है और राइबोसोम्स होता है। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया को एक स्ट्रेंज ऑर्गेनली बना देता है। सेकंड फंक्शन में हम लोग देखेंगे कि जो भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए, वो एनर्जी जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया ही रिलीज़ करता है हमारे सेल के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया है। बॉडी जो है यूज़ कर लेता है एनर्जी को जो स्टोर्ड है एटीपी के रूप में, नया केमिकल बनाने के लिए और वेरियस मैकेनिकल वर्क के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। बेसिकली प्लास्टिड दो तरह का होता है, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, लेकिन कुछ कुछ हमारे बायोलॉजिस्ट लोग इसे तीन टाइप्स में भी बताते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड को कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स को कहते हैं, और क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी सारे कलर्ड वाले प्लास्टिड्स को कहते हैं। प्लास्टिड का फंक्शन क्या है, प्लास्टिड जैसे कि ग्रीन वाला है उस अंदर क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, है ना, और इस क्लोरोफिल की वजह से
कोई भी ग्रीन प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस कर पाता है। अगर ये क्लोरोफिल नहीं रहे तो प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। दूसरा जो है ल्यूकोप्लास्ट, तो वो क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ऐसा मटेरियल में पाया जाता है जैसे कि स्टार्च हो गया, ऑयल हो गया, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स हो गया, उसी में पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स स्टोरेज सैक कहलाता है, जो कि सॉलिड या लिक्विड को स्टोर करता है। वैक्यूल जो होता है एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, उस मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। और वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड फील्ड होता है, वाटरी सॉल्यूशन जो बना हुआ रहता है, जो पाया जाता है, उसको हम लोग सेल सैप कहते हैं। ये सेल सैप जो होता है मेनली सुगर, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स या वेरियस तरह के ऑर्गेनिक एसिड से मिलकर बना होता है। ये जो होता है वैक्यूल स्मॉल साइज का होगा एनिमल सेल में और बड़ा होगा प्लांट सेल में। और इसका बड़ा होने के कारण प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो हम लोग देखते हैं प्लांट सेल में, वो थोड़ा साइड में पुश्ड हो जाता है। और सेंट्रल वैक्यूल जो होता है कुछ कुछ प्लांट्स का, वो तो 50-90% सेल के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है। नेक्स्ट वी विल सी द फंक्शंस ऑफ वैक्यूल। प्लांट सेल में वैक्यूल जो होता है सेल सैप से भरा होता है और सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी देता है, यानी कि कह सकते हैं एक तरह से मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है सेल को अंदर से। दूसरा फंक्शन है कि फूड वैक्यूल ऑफ ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमीबा में हम लोग देखें या पैरानेमेशियम में देखते हैं, वो फूड एटम्स को कंटेन करता है जिसको कि एनिमल बाद में कंज्यूम कर लेता है। कुछ कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यही वैक्यूल जो है एक्सेस वाटर को या कोई दूसरा वेस्ट मटेरियल को सेल के बाहर फेंकने में मदद करता है। चूँकि हम लोगों ने पढ़ लिया कौन कौन सा ऑर्गेनेल्स और इंक्लूजन्स सेल्स में पाए जाते हैं, अब हम लोग एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर देखेंगे, डिफरेंस। तो एनिमल सेल जो होता है जनरली छोटा होता है, प्लांट सेल लार्जर होता है एनिमल सेल से। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल होता है। वैक्यूल जो होगा एनिमल्स में वो छोटे होते हैं, टेम्पोररी होते हैं और बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन प्लांट में, मैच्योर प्लांट में वैक्यूल जो होता है वो परमानेंट होता है और बड़ा साइज का होता है। एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स होते हैं, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल नहीं होते हैं। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं। एनिमल सेल में एक हाई प्रोमिनेंट गॉल्गी एपरेटस होगा, लेकिन प्लांट सेल में बहुत सारे सिंपलर यूनिट्स ऑफ गॉल्गी एपरेटस होते हैं। इस प्लांट सेल और एनिमल सेल के डायग्राम को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसके कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, कम से कम 10 पार्ट्स ज़रूर याद रखेंगे। और जो मैंने इस वीडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू आप लोगों को पढ़ाया, अगर ये पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके, वो चैप्टर को
आसानी से समझ सकें। हमारे इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब मैं नया चैप्टर का इस तरह का वीडियो बनाऊं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।